अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम को ईदुल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि माह रमज़ान की रहमतें, बरकतें, सआदतें हम तमाम पर नाजिल फरमाएं और हमारी टूटी फूटी इबादतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं। उम्मत मुस्लिमा से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि इस ईदुल फितर को गनीमत समझकर इसे इस ईदुल फितर में जो लोगों से, जो दोस्तों से नाराज़गी है, आप इस ईदुल फितर को गनीमत समझकर अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से गले मिलकर वो तमाम नाराज़गी खलीश को दूर करें तो ही ये ईद का हक़ अदा करने के बराबर है। और मैं उम्मत मुस्लिमा से ये भी गुज़ारिश करता हूँ कि सीरिया, फ़लस्तीन और आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आप दुआए खैर कीजिए। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमाएँ और हिंदुस्तान को एक अमन व अमान हिंदुस्तान में बरकरार रखे और हिंदुस्तान को एक तरक्याफ्ता मुल्क बनाए। मैं फिर से एक मरतबा आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान भाइयों को ईदुल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हुए आप तमाम लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि हमारे हक़ में दुआ कीजिए।